मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ मिस कुमार, आई एम टीचिंग यू साइंस। क्लास नाइन्थ में आप लोगों को मैंने मोशन चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया था। मोशन चैप्टर में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप डिस्कस कर लिया था हमने, और उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी बताया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके पिछले क्लास में था। ये जो आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपकी बुक की बुक का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट है, वो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहा है, स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहा है। इसकी जो इस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 मीटर है। अगर वो एक राउंड 40 सेकंड में पूरा करता है तो 140 सेकंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे सोल्व करोगे। आपके माइंड में होना चाहिए कि बेटा स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर में आपको पता है कि सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और 10 मीटर साइड है, और जब स्टूडेंट दौड़ रहा है तो पेरीमीटर के अलावा दौड़ेगा, बाउंड्री के अलावा दौड़ेगा, और बाउंड्री के अलोंग जब दौड़ेगा तो वो पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड हो जाता है। तो 4 × 10 = 40 मीटर कितना हो जाता है, 40 मीटर। यानी कह रहा है कि जो स्टूडेंट है वो 40 मीटर 40 सेकंड में कवर करते हैं। तो द स्टूडेंट कवर्स 40 मीटर इन 40 सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि 40 मीटर 40 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल करेगा भाई, 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इन 1 सेकंड मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, 1 मीटर चल रहा है तो 140 सेकंड में, तो डिस्टेंस आफ्टर 140 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होता है वो टोटल पाथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है, ये आपको ही पता है। मैंने पहले बार बार चिल्ला चिल्ला कह दिया है कि भाई डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी है। इसमें इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, इस पर्सन के द्वारा टोटल पाथ 140 सेकंड में कितना, 140 मीटर होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक बात गौर करो कि हर एक 40 सेकंड 40 मीटर के बाद वो व्यक्ति जो है 0.0 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या कहा, हर एक 40 मीटर के बाद वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो आप देखो पहले 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जीरो, दूसरे 40 मीटर 80, तीसरे 40 मीटर 120, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इट कंप्लीट्स थ्री एंड हाफ राउंड, कितने राउंड कंप्लीट करता है, 3.5 राउंड। तो 3 राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। जब 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 कंप्लीट राउंड कितना हो जाएगा, जीरो। तो हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट ही बच गई, हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू भाई, कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जब ओरिजिन पॉइंट पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो 1 राउंड कंप्लीट होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, 2 राउंड कंप्लीट होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, 3 राउंड पे जीरो, 120 मीटर पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी के जो आधा दूरी है, जो आधा डिस्टेंस है 10 मीटर और 10 मीटर, ये इसकी काम की इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा
वो डायगोनल होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का जो फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू इंटू साइड, रूट टू इंटू साइड होता है, तो रूट टू इंटू टेन इक्वल टू टेन रूट टेन रूट टू मीटर। ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। एक तरीका से और कर सकते हो, अगर ये याद नहीं है तो आप कर लो, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हो, हाइपो डायगोनल वो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है उससे निकाल सकते हो, डायगोनल बराबर टेन का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 200 का रूट अंडर, तो 2 × 100 का रूट अंडर, तो 10√2 मीटर। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल कर सकते हो, आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, एवरेज स्पीड का, ये ट्रेन इज रनिंग इन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ 300 किलोमीटर, इट कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर and the next 90 kilometer with the speed of 45 kilometer per hour and the rest distance is traveled by the speed of कितना 75 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, मेरे प्यारे बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन की लंबाई देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है होगा क्या, जबकि इसका सॉल्यूशन करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको। मैंने और बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कि भाई स्पीड दे रखा है और टोटल डिस्टेंस दे रखा है, तो सभी स्पीड को जोड़ देते हैं और टोटल डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस में टोटल स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं है। या फिर दूसरा गलती ऐसे कर देते हैं, जितने भी स्पीड है उसका एवरेज निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 300 है, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, टोटल डिस्टेंस जो है वो
300 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम दिया हुआ है क्या? नहीं है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आपको सभी टाइम्स को ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम वन निकाले, तो टाइम वन निकाले तो 60 किलोमीटर, तो 60/60 यानी 1 आवर लगता है इसको 60 किलोमीटर से। अगर टाइम टू निकालता हूँ मैं तो 90 किलोमीटर चलता है 45 के हिसाब से, तो बचे कितना टाइम लगा? 2 आवर निकलने में। कितना आवर लगा? 2 आवर लग गया। अब देख रहे यहाँ से क्या करना है, बचा हुआ डिस्टेंस चलता है कितनी स्पीड से? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो रेस्ट डिस्टेंस कितना है? रेस्ट डिस्टेंस कितना है? रेस्ट जो डिस्टेंस है वो 300 - 150 है। तो 300 - 150 कितना होगा? 150 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और टाइम कितना होगा? टाइम कितना लगेगा? तो 150 की स्पीड से चलता है 75 की स्पीड से, 75 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। कितना लगा? 2 आवर्स। तो टोटल टाइम आप निकाल सकते हैं, टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? टोटल टाइम सबको जोड़ दो, कितना हो गया? 1 + 2 + 2 इक्वल टू कितना हो गया? 5 आवर्स। कितना हो गया? 5 आवर्स। तो आप देख लिए और समझ भी रहे होंगे कि कैसे निकालेंगे। अब देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आप यहां पे कर सकते हो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है? 300/2 × 2 = 5। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर जो है उस ट्रेन का एवरेज स्पीड था। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कुछ समझ करके करना है, न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं होता है। देखो फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल समझना है आपको तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले जो मैंने लेक्चर्स लिए उसको देखो फिर लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप कमेंट में बताना, मैं उसको अगले दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन पे लूँगा, एक्सेलरेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे लूँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पे लूँगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल्स। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अभी देख लो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।